हेलो फ्रेंड्स, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए दिया सुबह सुबह नाली नाली मेरे बाबू। आज सभी नहाएंगे, सात्विक भी नहा चुका है, दादी नहा रही है, हम सब नहाएंगे आज, क्योंकि दो दिन तक पानी नहीं आएगा 12 और 13 तारीख को। इसलिए आज सारे कपड़े जितने भी हैं जबरदस्ती धो रहे हैं, ताकि एक कल तो बैठ वो थर्सडे है तो कल वैसे नहीं धुलेंगे, तो इसलिए दो दिन तक पानी नहीं आएगा तो हम सारा काम आज ही खत्म कर देंगे से ज्यादा। बाकी जो थोड़ा बहुत रहेगा वो तो फिर कर ही लेंगे थोड़े थोड़े पानी से। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में। इन्होंने तो पहले ही हो गया था, दिया भी हो गई। अभी देखो कितना सुंदर तैयार कराया ना गाइस। अभी थोड़ी देर में देखना इसकी हालत, कोई नहीं कह सकता कि ये नहाई है। ऐसे लगेगा कि पता नहीं कितने दिन से नहाई नहीं है, है ना दिया? ये लगता है ये 4 दिन बाद भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ये 1 दिन बाद भी ऐसा लगता है 4 दिन से नहीं नहाया ना दिया। देखो है ना। हो गया मेकअप, मैंने कर दिया बेटा सारा। इतनी प्यारी प्यारी दो चोटियां बनाई है मैंने, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये देखना। अब भी दिखा दूंगी आधे घंटे बाद। बाल तो अच्छे हैं, हटाओ नहीं बालों को। सात्विक भी रेडी है मेरा तो। मैंने भूख लग रही है। भूख लग रही है, चलो खाना खिलाते हैं। चलो बच्चों खाने का टाइम हो गया। मेरे बाबू मेरी मत ले लियो। तो सेवा में प्रॉपर पत्र लिख रहा हूँ। पत्र लिख रहा है चिल्ला चिल्ला के। और मम्मी चलो मम्मी कर रही है मूंगरे काटने की तैयारी। शाम की यही सब्जी बनेगी ना मम्मी अपने? नहीं, शाम को मशरूम मटर बनेंगे ना। हाँ मशरूम मटर बनाऊंगी। खाली बैठी थी, मैं कहा काट दूं करके। हाँ चलो शाम के बनाएंगे मशरूम मटर। ये अपनी गाड़ी में लगी हुई है और मैं चलती हूँ, मैं जाती हूँ खाना बनाने। ताना जी को भी खाना खिला दिया, बच्चों को भी खिला दिया, बस अब हम बड़े बड़े रह गए तो मैं बनाया फिर साथ में। आपको भी चलो ठीक है। अब शाम को हो गया चाय पीने का टाइम और ये नमकीन खाने का टाइम। शाम की बनाएंगे हम मशरूम मटर। तो मशरूम साफ कर लेती हूँ, फिर जाऊंगी मैं सात्विक को लेने। ये मशरूम एक पैकेट बहुत हो जाता है मान ली, क्योंकि मम्मी नहीं खाती, बच्चे मैं और इसके पापा ही खाते हैं, मम्मी कुछ और खाएंगी। तो चलिए सब्जी साफ करके चलते हैं नुनू को लेने। हो गई मशरूम साफ और देखिए इतना कूड़ा निकला है इसमें एक पैकेट में। मशरूम से ज्यादा तो कूड़ा लग रहा है मुझे। अब हम रस्ते में सात्विक को लेने जा रहे हैं ट्यूशन, आराध्या की मम्मी और मैं। तो गाइस मैं आज बना रही हूँ थोड़े से मोमोज, 15-20 मोमोज बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा एक कटोरी से भी कम मैदा था तो मैंने वही मल लिया। सात्विक के पापा का मन था मोमोज खाने का, फिर एक प्लेट बाहर से लिया। मैं बाहर से मत ले जाऊँ, थोड़ा सा मैदा पड़ा है, मैं घर के लिए बना देती हूँ, घर के लिए घर में ही बना देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ बस पनीर के, बना रही हूँ थोड़ी सी पनीर के 10-12 मोमोज हम इसके लिए। और इधर बना रही हूँ लगी हूँ मशरूम मटर। तो मशरूम पहले तलने पड़ते हैं, जैसे ये हल्के लाइट ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद इसको उतार के तड़का लगा के इसको ही बना लेंगे। बन गया पनीर का मसाला मोमोज में फिल करने के लिए। ये देखिए हरा धनिया भी डाला आज मैंने, लेकिन चलो टेस्ट आ जाएगा और भी ज्यादा। लेकिन मैं गाइस आज बनाने वाली हूँ फ्राई मोमोज। स्टीम खा के हम बोर हो गए तो मैंने सोचा कुछ नया बनाते हैं, इसलिए हम फ्राई मोमोज बना रहे हैं। थोड़ा टेस्ट भी अलग हो जाएगा और टेस्टी भी होगा, क्योंकि मैदा ज्यादा नुकसान करती है, इसलिए फ्राई कर लूंगी मैं उसको। तो बने रहे मेरी वीडियो में, फ्राई मोमोज भी आपको दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी बनेंगे वो भी, मुझे आते हैं। बस मशरूम मटर भी बनने वाली है। मैं काम करके आ गई हूँ, मोमोज वगैरह बना के रख दिए, जैसे साथी के पापा आएंगे वैसे ही फ्राई कर दूंगी। सब्जी भी बना के आ गई हूँ, आटा भी मल दिया। अब सिर्फ साथी के पापा का वेट हो रहा है। और तू क्या करता रहता है फोन में? देख बस ये स्कैरी टीचर, स्कैरी टीचर में बिल्कुल पागल हो गया। इसको सारे प्रैंक करने आ गए स्कैरी टीचर में, कि कैसे प्रैंक करते हैं स्कैरी से, है ना जी? देखो देखते है ना कैसे टीचर से प्रैंक करते हैं। आ गए ना तुझे सारे आ गए गाइस को करना। दिया इसको देखो, दिया को देखो, दिया इधर आओ। हेलो करता, हेलो तो कर दो गाइस को। हेलो गाइस जल्दी आओ, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग।
बाय। एक कह रहा है वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और दूसरी कह रही है बाय बाय धोनी। दोस्तों को कह रही है बाय दोस्तों। बोलो दोस्तों हम खाना खाएंगे। क्या खानी है? क्या खानी है मेरे बाबू को? मोमो खानी है। ओ माय गॉड, मेरे बच्चे को ही मोमो खाने हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मम्मी मोमो खानी है। क्या करना है मेरे बेटे? पापा मोमो खानी है, पापा जी मोमो। अच्छा पापा जी को मोमो खानी है, ओके समझ गए समझ गए। मम्मी बिंदी ला दो इसको, मेरे फेस पे बिंदी नहीं अच्छी लगती, इसको अपने फेस पे बिंदी देखो। इसको तो बस मेरी बिंदी पीछे पड़ी रहती है। बिंदी आपको दिखाने का बिंदी हटा दी मैंने। अब क्या करोगे बेटा इसका? अब इसका क्या करोगे? ये देखो, ओहो अब इसे देखो, इसको आंटी बनने का कितना शौक है। लाओ जी मैं ही लगा दू, मैं लगा दू। लाओ लाओ दो ना, ये देखो ये देखो। वाह बिंदी से इसकी स्माइल तो देख लो। ओए होए ओए होए कितनी ओवर एक्टिंग करता है बेटा तू। हाँ गुड, इसको गाइस देखो मोमोज पसंद है, इसको पता है मेरे पापा मोमोज खाते हैं ना। पक्का पपीता ठीक है मम्मी, आप बोल के दिखाओ पके पेड़ों पक्का पपीता। कोशिश तो करो पके पेड़ पर पक्का पपीता। पके पेड़ पर पक्का पपीता, पिंकू पकड़े पक्का पपीता। चलो दूसरा देती हूँ मैं आपको। दोबारा बोल के दिखाओ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पांच बार बोले एक बार। अच्छा चल एक बार बोल दिया। तू बोल चल। झूला झूला दिया झूला, बोल के दिखाओ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को रात चांद रात में चांद चौक में चंद के चिल्ले से चटनी चटाई। बोलो ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। सही बोला ये। तो गाइज मैंने है ना स्टीम मोमोज हमेशा बनाती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा कुछ नया खिलाती हूँ इनको। मोमोज का मन करा तो मैंने बनाया कुरकुरे मोमोज, और यकीन माने बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ही ज्यादा। अगर आपको कुरकुरे मोमोज की रेसिपी चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताना, तो मैं स्पेशल एक दिन पूरी वीडियो कुरकुरे मोमोज की लेकर आऊंगी। कैसे लग रहे हैं गाइस प्लीज बताना ना, मैंने बहुत मेहनत से बनाया और बहुत ज्यादा यम्मी बने हैं, बहुत ही ज्यादा। मैंने टेस्ट भी कर लिए, देखे सबूत चटनी मैंने खा भी लिए। अब दिया को खिलाने लगी हूँ मैं मशरूम मटर। देखो कैसे रो रही है, ओ ले मेरा बच्चा लोई लोई कर रहा है, देखो कैसे रो रहा है ये गंदा बेबी। अच्छा फोन लेना, ये फोन ठीक है। दादी के पास सोएगा बेटा तू? तू मेरे पास सोएगा? चल सो। अरे सो गया मेरा बच्चा? सो गया नहीं, दादी के पास मतलब कि दादी के कमरे में। मेरे कमरे में चले सोए गए? हाँ अच्छी लग रही है उसको, जी है। बाय बाय। मैं दादी से जा रहा हूँ सोने, दिया बोल दे मैं दादी के पास जा रहा हूँ सोने। बाय 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 बोल रही है दोनों। बाय कह तो रही है, उन्होंने सुन तो ले। बाय तो कर दो मेरे को। बाय दोनों, बाय करो आप जल्दी। बाय करो दोनों, बाय दोनों, बाय। मेरा बाबू दादी के पास सो जाएगा? आज सो जाएगा, सुसु को नहीं करेगी पहले करा दे इसको, कहे मेरा बिस्तर नहीं। बंदर के बच्चा बन गया ये तो, पूरा चिपक गया। मैं दूसरी पट्टी। क्या पट्टी? गोदी बैठ गई, गोदी बैठ गई। सुसु आई है? नहीं आ रही होती तो बता। है? हाँ आ रही है, जल्दी करा। अरे चलो 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 करा के दे, जल्दी करा दो दादी, आप करा दो दादी, जल्दी 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 जल्द
अब दादी के पास होएगा वाओ बल्ले बल्ले ते शावा शावा ओ बल्ले बल्ले ते शावा शावा जल्दी पहनो मम्मी खड़ा चल 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 जा आज तो दादी के पास सो जा चलो बाय 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 दिया चलो बाय बाय करो जल्दी बाय 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 पापा बाय कर दो ना भाई पापा नूनू कर दे बाय बाय देखते हैं गाइस अगर वापस आ गए तो मैं तो आपको वो भी दिखाऊंगी भैया बाय और सो गई तो गुड नाइट कर देंगे भैया बाय दोनों बाय भैया बाय गुड नाइट। चल नुनू आज दिया अपनी दादी के पास सो रही है चल तू भी अपनी जगह पे सो चल तू तो सोया नहीं झूठ बोल के बुला लिया दादी को मैं आपके पास सोऊंगा तेरी जगह दिया सोने गई है मम्मी पापा पास जा रही गई तो ऐसे थी बाय मम्मी दोनों बाय बाय पापा बाय भैया अब क्या हुआ मम्मी पापा पास जा रही आ जा मेरे बच्चा आ जा शांति से बिल्कुल आवाज ही नहीं आई इसकी अच्छा मैंने देखा सो गई मम्मी आजा किसके पास सोना है पापा पास अब शूज नहीं पहननी शूज सवेरे पहनेंगे रात का टाइम है सुबह रात के 12:15 बज रहे और ये कह रही है शूज पहननी तो गाइस मम्मी को शौक चढ़ रहा था अपने पास सुलाने का मम्मी अब मम्मी को नचा रही है पूरे घर में मम्मी के पास जा जल्दी सुलाओ चलो दिया आ जाओ सो जाओ दादी आपके पास तो भाई छेड़ा भी तो आपने था मैं अपने पास सुलाऊंगी दिया गोदी गोदी बैठी हुई मेरी गोदी में सुनाऊंगी मैं तो सीधा जाके बिस्तर में सुला दिया था लेट भी नहीं है जल्दी से जाइए दो बजे से पहले नहीं सोती दादी है दादी हाय नी मेरी मोटो हाय नी मेरी मोटो हाय नी मेरी मोटो हाय नी मेरी मोटो 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 वैसे गाइस गाइस बहुत गंदी आवाज है मेरी तो गाने पे ध्यान ना देकर दिया और दादी पे ध्यान देना नहीं जाना मम्मी के पास हाँ तेरे पास नहीं आना मेरी आवाज सुनकर तो शायद डिसलाइक कर दो लेकिन दिया और दादी को देख के लाइक जरूर कर देना आ जाओ मेरे पास आना चलो ठीक है आज के बाद नहीं बोलेंगी दादी कि दिया को मैं अपने पास सुला है मम्मी के बाद नहीं बोलोगे कि दिया को मैं अपने पास सुला लूं अरे तेरी गोदी में उठाई ये देख बंदरी बन गई है मेरे साथ अब दादी नहीं बोलेंगी कि भाई दिया को सुला लूं मैं दादी मम्मी के पास जाके सो हाँ तेरा बंदर जाओ मम्मी के पास जाओ सो जाओ मम्मी कह रही मेरे पास आ बुला इसको अच्छा अरे भैया इसको कौन सा भूत चढ़ जाता कभी कभी अब उसका भूत चढ़ गया दादी को परेशान करने का दादी चलो फिर चलो मम्मी को बाय कर दो फिर आ जाएगी आधे घंटे मेरे बाल क्यों पकड़ रखे हैं फिर आ जाएगी अभी 5 मिनट बाद ही आधा घंटा तो बहुत सारा बोल दिया बाय बाय बेबी ड्रामा लगा रखा इसने ना सोना और ना ही है मुझे सोने देना ये देखना दाल रोटी क्या करना है क्या चाहिए बेटा दाल रोटी पूरी रात बस तंग करना ही आता है इसको खाएगी नहीं दाल रोटी दाल रोटी दूध लिया दूध पीना मेरे बाबू को दाल रोटी खानी है। तो गाइस ब्लॉग का एंड हम यही कर लेते हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो प्लीज गाइस बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और प्लीज पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करो ना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बाय बाय